हम हमने मैदा ले लिया है, इसको खाली कर देते हैं। इसमें और यहाँ पे मैंने कूट के ले लिया है नमक, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च, ये भी डाल देते हैं हम इसके अंदर। इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच जितना ऑयल, इसको कर देते पहले हम मिक्स। अभी पानी डाल के हम इसका एक डो बना देंगे। आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूंथ लिया है। अभी इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आटा रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर ढक के रहने देंगे। आटा रेडी है, अभी हम इसकी एक रोटी बना देंगे। एक कटोरी में हम 2 चम्मच जितना मैदा लेंगे और उसमें हम घी डाल के इसकी एक पेस्ट बना देते हैं। तो ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है मैदे और घी की। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है मैदे की और सब मसाले डाले हुए, तो कितनी अच्छी लग रही है और टेस्ट में तो एक नंबर लगेगी। इसके ऊपर हमने जो पेस्ट बनाई है मैदे वो डाल देंगे, मैदे और घी की इसके ऊपर पेस्ट लगा देंगे अच्छे से। अभी हम इसके ऊपर दूसरी एक रोटी रख देंगे ऐसे, और यहाँ पर भी हम ये वाली पेस्ट वापस से लगा देंगे। और इसको हम ऐसे रोल कर देंगे। तो देखिए ये हमारा रोल रेडी है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है या कोई भी शेप देना है तो आप उसके हिसाब से इसको कट कर लीजिए। अभी हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और ऐसे 2-2 बेलन मार के इसको ऐसा शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने ऐसे बेल लिया है सबको। अभी यहाँ पे तेल रख दिया है, इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे एकदम मीडियम आंच पे। खाने में एक नंबर लगेगी। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी फ्राई हो रही है, फर्सी पूरी। तो देखिए ये हमारी पूरी फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है और एकदम क्रिस्पी बन गई है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ऐसे ही हम बाकी की जो पूरी है वो बना लेते हैं। बहुत ही अभी ठंडी होगी तो एकदम क्रिस्पी बन जाएगी, बहुत ही अच्छी और खाने में तो एक नंबर है। और मसाले डाले हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ज़रूर से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।